और देखिए, मनुष्यों के आबादी बढ़ने के कारण समुद्र को भी पीछे धकेलना शुरू कर दिया। आबादी तो बढ़ गया, इसलिए समुद्र को भी पीछे धकेल दिया। पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, पेड़ों को हटाकर अपना जमीन बना लिया, घर बना लिया है। प्रदूषण बढ़ने के कारण पशु पक्षियां भी अपने बस्तियों से भागना शुरू कर दिया। तो इस प्रदूषण के कारण वातावरण भी खराब होना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि गर्मी में ज्यादा गर्मी होने लगा, बरसात का समय बरसात होता नहीं, भूकंप आ रही है, सैलाब यानी फ्लड आ रही है, तूफान आ रही है, नए नए बीमार आ रहा है, नए नए बीमार ठीक तो आ रहा है। इसलिए ये सब का कारण यह है कि मानव और प्रकृति के साथ होने वाला असंतुलन, मानव और प्रकृति के साथ होने वाला असंतुलन। लेखक यहां कहते हैं, प्रकृति के सहन शक्ति का भी एक सीमा है। जब प्रकृति गुस्सा होती है तो वे विनाशकारी भी हो जाती। इसका एक उदाहरण है, कुछ साल पहले मुंबई में और अन्य स्थलों में होने वाली सुनामी। इस सुनामी इतना भयानक था कि यहाँ के निवासी अपने अपने प्रार्थनालय में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। यहाँ भी मनुष्यों द्वारा प्रकृति पर होने वाले क्रूरता बताते हैं लेखक ने। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर्स समुद्र को पीछे की ओर धकेल कर वहाँ घर बना रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे। बेचारा समुद्र तो सिमटता जा रहा था, वो तो सिमटता जा रहा था। अब लेखक बताता है कि पहले तो समुद्र थोड़ा कम हो गया, फिर कम हो गया तो सिमट कर बैठ गया, श्रिंक कर, फिर भी कम हो गया तो घुटनों को मोड़ कर बैठ गया। समुद्र तो घुटनों को मोड़ कर बैठ गया, फिर भी जगह नहीं तो समुद्र खड़ा हो गया। फिर खड़ा होने के बाद भी जगह कम पड़ गए तो समुद्र को गुस्सा आ गया। फिर क्या हुआ? इस गुस्से का नतीजा यानी फल क्या होगा? जितना बड़ा होता गुस्सा तो उतना कम हो गया, लेकिन गुस्सा आते तो रुकना मुश्किल हो जाता। लेकिन लेखक एहम कहता है, एक रात में समुद्र को गुस्सा आया तो समुद्र पर दौड़ते 3 जहाजों को बच्चों की गोद की तरह 3 दिशाओं में तो फेंकता है। जहाज को 3 दिशाओं में फेंकता है समुद्र ने। समुद्र ने जो 3 दिशाओं में फेंका था जहाजों को, ये 3 दिशा यही था कि एक दिशा तो बरली के समुद्र के किनारे पर, दूसरा तो बाद्र के कार्टर रोड के सामने, और तीसरा तो गेटवे ऑफ इंडिया पर। लेकिन ये 3 जहाज तो
सैलानियों का यानी यात्रियों को देखने योग्य थी, सिर्फ देखने के लिए योग्य थी। बहुत कोशिश करने पर भी ये तीनों जहाज चलने योग्य नहीं हो सके, ये तो चलने योग्य नहीं हो सके। लेखक यहाँ अपने बचपन की याद आकर कहते हैं कि बचपन में उनकी माँ ने उनसे कहती है, जबकि सूरज ढल जाने के बाद पेड़ों से पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय पत्ते तोड़ने से पेड़ रोएंगे सूरज ढलने के बाद। दिया बाती के वक्त यानी ईश्वर के याद करने वक्त फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फूल को भी दुख होगा। उनकी माँ यही भी बताया है कि नदी में नहाने जाते समय नदी को नमस्कार करना है, ऐसा करने से नदी खुश हो जाती है। नमस्कार करना है नदी को नहाते समय, नदी में नहाने के लिए जाते समय नदी को भी नमस्कार करना है, ये देखकर नदी भी खुश हो जाती। ओके okay?